नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। सोशल मीडिया में भ्रमक और पुराने वीडियो बगैर किसी पुष्टि के डालने पर होगी कड़ी कार्रवाई। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने किए आदेश जारी। निश्चित रूप से कलेक्टर रीवा के इस खबर से सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लोग अब गलत पोस्ट डालने से बचे। सोशल मीडिया में गलत पोस्ट पर कार्रवाई होगी, ग्रुप एडमिन भी आएंगे निशाने पर। कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण रीवा जिले में आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा परिशांति कायम रखने से सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से सामाजिक ताने बाने को तोड़ने एवं वैमनस्यता फैलाने की स्थिति निर्मित की जा सकती है। रीवा शहर संभागीय मुख्यालय होने के साथ साथ अति संवेदनशील है, अतः उक्त कृत्य से शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा होने के साथ साथ मानव जीवन में भय, रोष, घृणा एवं मानसिक क्षोभ का माहौल बनता है। ऐसी स्थिति में परिशांति कायम रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने कहा, अनेक बार घटना को बढ़ा चढ़ाकर केवल इतने हिस्से को वीडियो वायरल किया जाता है जिससे घटना के बारे में गलत भ्रांति फैलती है, जबकि कई बार काफी दिनों पूर्व की घटना को इस तरह वायरल किया जाता है वह आज या कल की ही हो। ऐसा पिछले कई दिनों से लगातार देखा भी जा रहा है। ऐसे वीडियो भी वायरल किए जाते हैं जो अन्य राज्य या अन्य जिलों से संबंधित होते हैं, लेकिन उनका शीर्षक ऐसा होता है जिससे प्रतीत होता है उक्त वीडियो रीवा जिले का है। इससे देखने वालों के बीच में गलत संदेश जाता है व कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होती है। इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी किसी भी अस्पष्ट घटना की पोस्ट को तत्काल पुलिस अधिकारी को सूचित करें, जिससे उसकी सत्यता की पुष्टि की जाकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। ग्रुप एडमिन द्वारा अपुष्ट वायरल जानकारी को संबंधित पुलिस अधिकारी को सूचित न करने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभावशील रीवा में हो गया है। इसका उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। माना जा सकता है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प का ये आदेश उनके लिए काफी दिक्कतें निर्मित करेगा, जो बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी जानकारी के, किसी ने बता दिया तो बेवजह की बातों को इधर से उधर करते थे, वायरल करते थे। अब घटना की पुष्टि के बाद ही वीडियो वायरल किए जाएंगे, साथ ही अन्य जिले के वीडियो भी वायरल नहीं किए जा सकते, इस पर भी कार्रवाई होगी। माना जा सकता है मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में अब सोच समझकर लोग पोस्ट करेंगे, अन्यथा उनके ऊपर कलेक्टर रीवा के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत ये कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कलेक्टर रीवा का यह कदम उन भ्रमक खबरों पर रोक लगाएगा जो बगैर किसी पुख्ता सूचना के, पुख्ता जानकारी के प्रसारित हो जाती थी, जिससे समाज में गलत संदेश जाता था। ताज़ातरीन खबरों के लिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।